गाइस स्टार्ट करते हैं अपन टाइप सेवन से, अपना हो गया था टाइप सिक्स तक। देखिए भाई टाइप सेवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग, सब कुशल मंगल। स्टार्ट करें, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला अपना जो कॉन्सेप्ट है वो कॉइन पे बेस्ड जो रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बनते हैं उस पर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो कॉइन्स पे क्या क्या आपको पता होना चाहिए उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें दी जाती है, अमाउंट का रेशियो दे दिया जाता है या फिर नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिए जाते हैं उनका रेशियो दे दिया जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है अपन को। तो ये देखिए अपन ने क्या करना है, पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपके कहा कि आपके पॉकेट में कितने रुपए हैं, तो आपने बोला सर दो सिक्के हैं, दस दस के। इसका मतलब उसकी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब उस सिक्के पे कितना छपा हुआ है, इसका मतलब उस पर दस रुपये छपा हुआ है, ठीक है। तो दोनों पे दस दस छपा हुआ है, इसका मतलब आपके पास दो सिक्के हैं। तो अपन ये कहेंगे दो सिक्के हैं तो दो गुणा दस, यानी कि आपके पास टोटल अमाउंट कितना बन गया, बीस रुपये। तो यहीं से अपन कहते हैं कि जब आप फेस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, अंकीय मान, ठीक है, अंकीय मान, और गुणा कर देते हैं आप नंबर ऑफ कॉइन्स से, नंबर ऑफ कॉइन्स से, यानी कि सिक्कों की संख्या से, तो आपको क्या मिल जाता है, अमाउंट। बस इसी पे आपको वर्क करते चलना है और यहीं से आप सब कुछ। अमाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं आप सभी जानते हैं, वो होता है आपका मूल्य, क्या होता है, मूल्य, ठीक है। इसी पे सारे क्वेश्चंस आपके डील होते चलेंगे। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो क्वेश्चन पहला आपसे जो पूछा गया, सिंपल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसका आंसर करते हैं अपन। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया कि एक बैग में 90 रुपये हैं आपके पास, जिसमें 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं, ठीक है। यदि सिक्कों की संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है 2:3:5, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। देखिए सबसे पहले आपको बोला गया कि टोटल जो आपके पास रुपीज़ है, ठीक है, उस रुपीज़ को आपने क्या कहा, यानी कि वो आपके पास अमाउंट है 90 रुपये। अब आपको दिया गया, सबसे पहले फेस वैल्यू की बात करते हैं अपन, तो फेस वैल्यू आपको सिक्के किस रूप में दिए गए हैं, ये दिए गए 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। जब भी आप फेस वैल्यू लिखेंगे आप इसको रुपीज़ में काउंट करके लिखेंगे। तो मैंने कहा 50 पैसे हैं तो 1/2 रुपये लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि 50/100 करेंगे, और अगर 25 पैसे हैं तो 1/4 रुपये लिख देते हैं, और अगर 10 पैसे हैं तो 1/10 रुपये लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से अपन ने कहा फेस वैल्यू अपन को पता चल गई। अब अपन को नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो लिखेंगे आप, वो दिया हुआ आपको 2:3:5, ये आपको दिया गया है। अब आप कैलकुलेशन ऐसे करनी है कि सर 2:3:5 ये अनुपात में है, तो अगर अपन इनके साथ क्या लगा देते हैं, x, ठीक है, इनके साथ x लगाया आपने। मैंने आपको बताया अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट आएगा जब आप फेस वैल्यू को गुणा कर देंगे नंबर ऑफ कॉइन्स से। नंबर ऑफ कॉइन्स से जब आपने गुणा किया, तो इसको इससे गुणा जब आपने किया, तो यहाँ से आपने कहा सर 2x × 1/2, ठीक है, अनुपात ये कितना हो जाएगा 3x × 1/4, अनुपात 5x × 1/10। तो यहाँ से मैंने कहा ये आपको अमाउंट मिल गया, दैट मीन्स अपन कह सकते हैं 2 से 2 कटेगा x + 3x/4 + x/2, टोटल ये रुपीज़ हो गए। ये टोटल अमाउंट कितने रुपए के बराबर दिया गया, 90 रुपीज़ के। तो 90 रुपीज़ आपने निकाल दिए, कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से 4 LCM आएगा, ये कितना 4x, ये 3x और ये कितना 2x, बराबर कितना 90। तो यहाँ से अपन कहेंगे कि सर x = 90×4/9, 9 आ जाएगा ना, 4 × 3 = 7 और 2, इससे कट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 40। x की वैल्यू 40 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 40 आ गई। आपसे पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या भाई सब कितनी है देख लीजिए, ये तो 10 पैसे, ये 25 पैसे हैं तो यहाँ रख दीजिए, ठीक है। 25 पैसे के जो कॉइन्स है 3x, इसका मतलब 3×40, आंसर कितना आ जाएगा, 120 कॉइन है आपके पास, जिसकी वैल्यू क्या है भाई, जो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब थोड़ा सा आपने सीख चुके हैं, थोड़ा सा अपन एक एक दो दो स्टेप कम करते चलेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। चलिए देखिए, ये तो मैंने इसीलिए बेसिक से आपको समझा, इसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कॉइन्स के, चाहिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हो आप,
कितने अच्छे क्वेश्चन सीजीएल में आए हुए हैं आप देख लेना, कुछ बैंकिंग एग्जाम्स में आए हुए हैं, सारे के सारे अपन इसी से कर देंगे। देखिए अगला, देखिए एक बैग में 180 रुपये हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। सबसे पहले अपन ने कहा, सर ने बताया फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बात करेंगे तो 1 रुपया तो है ही, 50 पैसे मतलब 1/2 रुपये और 25 पैसे मतलब 1/4 रुपये, ऐसे लिख लेंगे आप। फिर बोला सिक्कों की संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, ठीक है। आपके पास नंबर ऑफ जो कॉइन्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, वो आपको बोला गया 2:3:4, ठीक है। तो यहाँ से आपको बोला गया बैग में 180 रुपये, तो आप भी बोल देंगे ठीक है सर, अमाउंट की जो वैल्यू है AMT वो जाएगा आपके फेस वैल्यू गुणा नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ सी, इसका मतलब ये कितना जाएगा, देखो 2x प्लस ये कितना 3/2x प्लस ये कितना 1x, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टोटल आपको दिया हुआ 180 रुपये। कैलकुलेट करेंगे 2 LCM आएगा उधर जाएगा, 2×2=4x प्लस 3x एज इट इज प्लस 2x ऐसे, और 180 × 2, आप खुद समझ लेना कि ये 2 LCM लेके उधर भेज दिया है मैंने, तो 9x की वैल्यू 180 × 2, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 40, x बराबर 40 आ गया। आपसे पूछा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, वापस वही 3x हो जाएगा, तो यहाँ से कह देंगे सर 3x की वैल्यू 3×40 120, इतने सिक्के हैं, इसका पूछेगा तो 2 से कर देंगे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे चीज़ों का। अब आगे देखिए, ऐसे एक स्टेप में आंसर हो जाएगा, आपके दिक्कत ही नहीं है। अभी देखना सवाल, अच्छे अच्छे सवाल इस पर अपन करने वाले हैं, ठीक है। नंबर 3 आपसे इस पर पूछा जा रहा है, नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के क्रम से 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के रूप में है, ठीक है, तथा कुल 175 सिक्के हैं, कुल कितने हैं 175, यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिया गया है समझिए आप, कुल राशि सबकी क्या है बराबर, तो इस बार आपको बोला गया है सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है ये बोला गया है, तो आपसे सबसे पहले क्या बोला गया, देखो अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि सबकी राशि बराबर है, इसका मतलब अमाउंट सबका एक्स 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 है, तो आपको टोटल 175 सिक्के दिए हैं, इसका मतलब इस बार आपको नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिया गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकलेगा, जब आप फेस वैल्यू का डिवाइड दे देंगे किस में, अमाउंट में, तो आप ये कहेंगे सर फेस वैल्यू की अगर अपन बात करें तो कौन कौन सा है, 1 रुपये 50 और, ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे मतलब 1/2 रुपये, ठीक है, और यहाँ से अपन कहेंगे तीसरा वाला 1/4 रुपये, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ अमाउंट की, तो अमाउंट है आपके पास, अमाउंट क्या है सबका तीनों का बराबर, इसका मतलब इसका भी एक्स है, इसका भी एक्स है और इसका भी एक्स, यही है। अब अपन क्या करेंगे कि अमाउंट में फेस वैल्यू का डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि सर नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे मिलेगा, जब आप अमाउंट में डिवाइड दे देंगे किसका, फेस वैल्यू का, डिवाइड दीजिए अमाउंट कितना x, डिवाइड दीजिए 1 प्लस x बटे में 1/2 प्लस x बटे में 1/4, ये आपका टोटल कॉइन्स, ये दे देगा x, ये 2x और ये कितना 4x, बराबर आपको दिया गया 175 कॉइन। आप कहेंगे 4×2=6 और 1 7x बराबर 175, ठीक है। x की वैल्यू बात पता करेंगे, 7×2=14 7×5=35, x की वैल्यू कितने हैं 25, इसका मतलब 25 रुपये 25 रुपये 25 रुपये, टोटल राशि कितनी हो जाएगी, टोटल आपके पास कितनी है, टोटल अमाउंट है 3x, इसका मतलब 3×25, आंसर कितना जाएगा 75 रुपये। क्लियर है बात, समझ लेंगे, देख लेंगे क्या पूछा है कैसे पूछा है, ठीक है भाई। देखिए आगे, अगला देखिए नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। देखो समझ में आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताया करो सब, ठीक है सर हाँ ऐसा चल रहा है, ठीक है। तुम लोग पता नहीं क्या नींद निकालने में हो गया, सर्दियों में नींद ही निकालते रह जाएंगे क्या आप लोग, नींद ही निकालते रह जाएंगे और दूसरे सिलेक्शन ले जाएंगे, इसलिए उनसे कम्पीट करने के लिए अपन को सारी चीज़ें सीखनी है, ठीक है ना। अपना टाइम वेस्ट इधर उधर की चीज़ों में ना करें, महिला मित्रों से कम मिले, ठीक है। चले भाई लिखिए, एक बैग में कुल 280 सिक्के 1/50 पैसे तथा 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे सिक्के रूप में, तथा प्रत्येक सिक्के का मूल्य क्रम से 8:4:3 दिया गया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। फिर से वही बात है, इस बार मूल्यों का अनुपात दे दिया गया आपसे, ठीक है। तो फेस वैल्यू आपसे दिया गया है 1 रुपये 1/2 रुपये, मजाक कर लेता हूँ भाई मैं, कहीं ये सोचे कि सर ने स्ट्रिक्टली डांट दिया तो महिला मित्र से ना मिले, भाई सब कुछ जरूरी है, ध्यान रखे चीज़ों का, ठीक है। अब फेस वैल्यू हो गया आपके पास, अब दूसरा अपन देखेंगे सिक्को मूल्य यानी अमाउंट का जो रेशियो है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपके 8:4:3 ये दिया गया आपके पास,
अब इसके बाद आपसे बोला गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, टोटल 280। टोटल कॉइन्स कितने हैं? टोटल कॉइन्स 280। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, ये लीजिए भाई। टोटल कॉइन्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ कॉइन्स अपन ऐसे निकालेंगे कि अमाउंट में डिवाइड दे देंगे, किसका? फेस वैल्यू का। ठीक है, अमाउंट में डिवाइड दीजिए, या 8x कह रहा हूँ मैं इसको, 8x में 1 का डिवाइड प्लस 4x में 1/2 का डिवाइड और प्लस 3x में 1/4 का डिवाइड, और ये टोटल कितना दे देगा? 280। कैलकुलेट कर दीजिए, 8x प्लस 8x प्लस 12x बराबर 280। ये टोटल कितना हो गया? 28x बराबर कितना भाई? 280। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 10। एक्स की वैल्यू 10 आ गई। आपसे क्या पूछा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये रहे 50 पैसे 4x, इसका मतलब 4x बराबर 4 × 10। टोटल सिक्के कितने हैं? 40 सिक्के ऐसे हैं जो 50 पैसे के हैं। ठीक है, चलें भाई आगे। नंबर ऑफ कॉइन्स तो हाँ ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स ये तो अमाउंट अपन ने निकाल दिया, नंबर ऑफ कॉइन्स देखिए, नंबर ऑफ कॉइन्स तो ये वाले हो जाएंगे ना, ये वाले टोटल 8x, इसका मतलब 8x की बात हो रही है। तो आप ये कहेंगे यहाँ से 8x, तो 8 × 10 80 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला कौन सा सवाल है? 5 नंबर। ठीक है भाई, एक बैग में कुल 56 रुपये हैं। ठीक है, फिर आपसे बोला गया आगे, 56 रुपये हैं, 1 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की दुगनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की चौगुनी है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये लीजिए भाई, कर दीजिए। आपसे क्या गया? सबसे पहले फेस वैल्यू की बात करते हैं, 1 रुपये, 1/2 रुपये और 1/4 रुपये। ठीक है, ये बोला गया। इसके बाद बोला गया 50 पैसे की संख्या 25 पैसे की संख्या की दुगनी और 1 रुपये की सिक्के की संख्या से चौगुनी है, तो 50 पैसे की इससे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स बोला गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपये से दुगनी है, इसका मतलब अगर सर ये एक्स है, चौगुनी है सॉरी, तो ये कितना है? 4x, और 25 पैसे से दुगनी है, इसका मतलब ये आधा है, इसका मतलब ये कितना है? 2x। क्लियर है क्या मेरी बात? तो यहाँ से आपको पता चल गया वापस से वही कि टोटल 56 रुपये हैं, अमाउंट कैसे आएगा? अब तो सभी कर लेंगे, यानी कि गुणा में नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स कैलकुलेट कर दीजिए, गुणा कर दीजिए एक्स प्लस 4/2x और यहाँ पे कितना? 2x/4 बराबर टोटल कितना? 56x। ये कितना हो गया देखो, 3x प्लस x/2 और बराबर 56। 2 एलसीएम लेके उधर भेज दीजिए, 3 × 6 = 1, 7x बराबर 56 × 2। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 8, x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। आपसे क्या पूछा है भाई? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये लीजिए 4x, इसका मतलब 4x बराबर 4 × 16 कितना आ जाएगा? 64 सिक्के हैं 50 पैसे के। ठीक है भाई, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। ये टाइप अपना रेशियो प्रोपोर्शन का लास्ट रहेगा, फिर इसमें मिसलेनियस के क्वेश्चंस जो है, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अपन उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलिए देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, एक बैग में कुल 160 रुपये हैं, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसों के रूप में, बैग में कुल 200 सिक्के हैं। एक तो आपको टोटल अमाउंट दे दिया गया, टोटल अमाउंट दिया गया आपको 160 रुपये। ठीक है, सवाल में देख लेना, आपके सामने आ जाएगा, देख लेना सवाल। अभी ये कह रहा है 160 रुपये हैं, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के रूप में, बैग में कुल 220 सिक्के हैं, यदि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे ये पूछा गया, टोटल कॉइन्स भी दे रखे हैं, टोटल कॉइन्स भी कितने हैं अपने पास? 220। अब जैसा जैसा सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते रहिए। आपके सामने फेस वैल्यू 1 रुपये, 1/2 रुपये और 1/4 रुपये। ठीक है, ये आपसे कहा गया। अब अपना देखिए, ये फेस वैल्यू हो गई, अब ये फेस वैल्यू हो गई, इसका मतलब यहाँ से अपन को निकालना क्या है? अब दूसरा अपन को दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। अब बात को समझे, कह रहा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे से 3 गुनी है। मैंने कहा यहाँ एन सिक्के थे, कितने थे? एन, तो मैंने कह दिया ये कितने हो जाएंगे? 3n। अब आप खुद समझिए सर, यहाँ पे 3n और एन, 4n हो गए, तो 50 पैसे वाले कितने बचे? 50 पैसे वाले टोटल 220 में से माइनस कर देंगे, कितना? 4 है,
इतने तो आप समझदार है ही, इसका मतलब ये सिक्के कितने बचे भाई, बोले बोले 220 माइनस 4 है, ये आपके सिक्के हो गए। अब अपन कैलकुलेट कर देंगे, निकाल दीजिए भाई आप लोगों का क्या अमाउंट दे रखा है ना, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स हो गया। अब यहाँ से अपन क्या कहेंगे, इसको गुणा कर देंगे 3n मल्टीप्लाई 1 प्लस 220 4n और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा n गुणा 1/4, ये टोटल आपके रुपीज़ हो गए। कैलकुलेट कर दीजिए 3n प्लस 2 का भाग दीजिए 110 माइनस 2n और प्लस n/4 और टोटल आपको अमाउंट दिया गया 160। 110 इसमें से माइनस होगा 50 बचेगा, ये यहाँ पे n प्लस n/4 और बराबर कितना 50, ये यहाँ से 5n डिवाइड बाई 4, या डिवाइड क्यों कर रहे हो उधर ही ले जाओ, 50 गुणा 4, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 40, n की वैल्यू 40 आ गई, यहाँ पुट कर दीजिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगी 220 माइनस 4 गुणा 40, इसका मतलब टोटल सिक्के कितने हैं 60 आपके पास 50 पैसे के कॉइन है, ठीक है भाई। तो इस तरीके के जो सवाल कॉइन्स पे मैंने करवाए हैं वो आप खुद करेंगे। अब ये थोड़ा सेशन अपना छोटा ही रहा है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉइन्स के जितने 6 क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवाए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बोल दे रहा हूँ, आप लोग उसको सोल्व करना और आगे मैं मिसलेनियस में उसको करवाऊँगा, ठीक है, कोशिश करना आप लोग, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ लिख लेना आप, जैसे वीडियो ख़त्म होने में एक बार इसको क्वेश्चन को लिख लेना और खुद से करने की कोशिश करना आप, ठीक है। या फिर ऐसा करूंगा वीडियो के एंड कर रहे हैं ना तो वीडियो के एंड में मैं ये क्वेश्चन डलवा दिया करूंगा, ऐसा करेंगे, मैं अगले दिन वो क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जो भी मैं आपको पहले दिन बोलूंगा, लेकिन आप क्या करेंगे खुद से कोशिश करेंगे एक बार, ठीक है। तो खुद से कोशिश करने के लिए मैं एक क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, फिर आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा, वो मैं डलवा दूंगा, ठीक है। तो क्या दिया गया है, बोला गया सवाल में कि एक प्लाईबोर्ड की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, ठीक है, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुने, एक प्लाईबोर्ड की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, प्लाईबोर्ड 3 हिस्सों में टूटता है, प्लाईबोर्ड 3 हिस्सों में टूटता है जिसके वजन का अनुपात 9:2:1 है, जिसके वजन का अनुपात 9:2:1 है, ठीक है। यदि प्लाईबोर्ड 7:3:2 में टूटा होता तो 448 रुपये की हानि होती, तो प्लाईबोर्ड की मूल कीमत ज्ञात करें, यह आपसे पूछा गया है, सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा और कोशिश करना। और अपन को ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, ये मैंने सोचा कि एक दो क्वेश्चंस मैं आपके लिए ऐसे करवाऊंगा जिसकी वजह से क्या है कि आप खुद भी दिमाग लगाने पर मजबूर हो, क्यों, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन अब भाई खत्म हो गया है तो मिसलेनियस क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है ना। तो अपन चर्चा करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन जितने हैं उसके बारे में अगले वीडियो में, अगला वीडियो आप इतना प्यार दे रहे हैं वीडियोज़ को, इतना देख रहे हैं, इतने व्यूज़ हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार बनाए रखने के लिए, ठीक है। और आप बस यूँ लगे रहिए, 3-4 महीने का मैं बता चुका हूँ, 3-4 महीने का ये जो टाइम है ना ये बहुत ही आपका ऐसे मान लो प्रिसिस टाइम है, इसको यूज़ करें आप, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दिन छोटे होते हैं, बाद में क्या होता है गर्मियों की वजह से इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है, जो सर्दियों का जो टाइम है 3-4 महीने उनमें बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर ले, जिसके घर पे पढ़ाई नहीं होती वो लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करे, ठीक है, क्योंकि अपने पास और कोई काम है नहीं एक्चुअल में, अगर आप देखा जाए तो वास्तव में, क्योंकि एक्चुअल में कहीं अगर और कोई काम होता तो शायद अपने घर वाले वो काम पहले करवाते हैं, अपने से पढ़ाई का काम बाद में करवाते हैं। तो अपनी जितनी भी एनर्जी है आपकी उसको प्रेजेंट में लगा के रखिए, फ्यूचर और पास्ट की चीज़ों पे आप उसको एनर्जी को वेस्ट ना करें, प्रेजेंट की जितनी भी चीज़ें हैं उन पे वर्क करें, जितनी भी आप जो भी बुक सोल्व कर रहे हैं उस पे वर्क करते रहिए, ठीक है। नए नए क्वेश्चंस मैं भी डालने की कोशिश करूँगा, जितना मेरे को वक्त मिल पाता है मैं आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, ठीक है, और आगे भी रहूँगा ऐसे ही, ठीक है। तो आप लोगों की यही जो प्यार है उसकी वजह से आज अपन यहाँ पे खड़े हैं और आपका प्यार बनाए रखें, ठीक है, आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे, ठीक है। और अगले आने वाले सेशंस में कोशिश करूँगा कि एक दो चीज़ें आपको बताया जाए कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि और हो सकता है ये थोड़ा लेट वीडियो अपलोड हो, लेकिन फिर भी आपको तो पता चाहिए, आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि SSC भी अब थोड़ा, क्योंकि जितने भी पेंडिंग एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे मार्च अप्रैल तक या मई तक करवाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो आप लोग बस लग जाइए, ये 3-4 महीने आपके लिए जिंदगी बदल जाएगी इसी में, ठीक है, अदरवाइज तो यहीं थड़ियों पे यहीं इधर उधर घूमते रह जाएंगे, ठीक है।
तो जो भाई दोस्त से मिलना है दोस्त से मिलो, 3-4 महीने बाद आराम से मिलेंगे, पहले एक बार एग्ज़ाम तो दे ले, ठीक है। तो पहले आप चीज़ों को समझे और उसके बाद क्वेश्चंस को समझे, जो चीज़ें कही जा रही है उनको समझे, तो अपने आप चीज़ें आसान होती चली जाएगी, ठीक है ना। अदरवाइज़ तो क्या है ना कि इधर उधर घूमते रह जाइए भाई। देखो मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, सीधी सी बात यही है, चाहे बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, बात इतनी सी है कि आप लोगों को, आप जो मेहनत कर रहे हो ना वो आपके ही काम आएगी, आपका ही फ्यूचर सिक्योर होने वाला है। ना तो आप मेरे को कोई सैलरी देने वाले हैं, ठीक है, ना आपके घर वाले आपसे मांगेंगे, सीधी सी बात यही है। आपके घर वाले बस ये चाहते हैं कि हमारा लड़का या लड़की एक बार बस अपने पैरों पे खड़ा हो जाए या खड़ी हो जाए। तो यही वाली बातें हैं, तो इनको समझे। आपके घर वाले आप पे इतना टाइम इतना पैसा खर्च करते हैं, उसका पूरा यूज़ करें आप लोग। ऐसा नहीं है कि मतलब आप है ना चीज़ों को लाइटली ले रखे हैं, आज उसने बुलाया वहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ टाइम पास कर रहे हैं। मुझे सबसे गंदा काम लगता है वो है टाइम पास करना, ठीक है ना, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ। क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, पढ़ाई करने का। अभी मैं ये नहीं कहता कि आप घूमें नहीं, आप आराम से घूमें, मैं सारी चीज़ें उस वीडियो में क्लियर करूँगा कि आपको किस हिसाब से तैयारी करी। क्योंकि मैंने जिस हिसाब से तैयारी करी थी फिर सिलेक्शन लिया था, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि भाई साहब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे पूरे 15-15 घंटे आप तैयारी करके फिर उसके बाद, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक आपका बस, मैं ये कहता हूँ कि एक वे, जो एक आपका रास्ता है, जो तरीका है, वो एक सही रास्ते पे, मतलब एकदम सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, एम आपका फोकस होना चाहिए आपके एम पे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, दैट मीन्स आप डेली 8 घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन की आप आराम से मस्ती करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन उस वीडियो में क्लियर करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना आगे की चीज़ों के लिए, और होप्स हो वो जल्दी से जल्दी वीडियो में आपके लिए अपलोड करवा दें, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।